वाली बाइक जो KTM 12 आ रही है, अब ये बाइक ना थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। देखो BMW है नो डाउट ब्रांड वैल्यू। वेलकम बैक टू यू चैनल एवरीवन। तो भाई आज हमारे पास BMW की GS310, ठीक है। ये बाइक भाई एडवेंचर के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल बाइक है BMW की तरफ से आने वाली। इसके बारे में आज हम बात करेंगे भाई, कितने प्राइस पॉइंट पे आती है, कितनी बाइक की कैपेबल है, क्या क्या फीचर्स ये कंपनी इसके अंदर ऑफर करती है, ठीक है। सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके आएंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। इंजन से स्टार्ट करेंगे। इंजन इसका है भाई 310 सीसी का इंजन है जो BMW TVS मिलके बनाते हैं, जो कि आपको अपाची RTR, अपाची RR इन सब में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये DOSC इंजन है, आप देख सकते हो साहब थोड़ा इधर की तरफ से टिल्ट हो रखा है, क्योंकि ये अपना पेटेंटेड इंजन है BMW का और TVS का, उन्होंने मिलके बनाया, अलग सा कुछ इंजन है, क्योंकि ये टॉर्क बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि भाई इस इंजन में ना थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर ये चीज़ है इसके साथ फैक्ट। अगली बात कर लेते गाइस इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। बात कर लेते इसके इंजन की पहले। 310 सीसी का इंजन है इसका, और इसका DOSC इंजन है। दो कैमशाफ्ट इसके अंदर आती है, कैमशाफ्ट अलग चीज़ है और क्रैंकशाफ्ट अलग चीज़ है। और इसका फ़िल्टर आगे से चेंज होता है, इधर साइड में कोई फ़िल्टर की माउंटिंग नहीं होती है इसके अंदर, जैसे सुपर बाइक्स वगैरह का फ़िल्टर चेंज होता है, वैसे इसका भी फ़िल्टर चेंज होता है, गोल सा आता है। रेडिएटर इसका काफ़ी अच्छे शेप और क्यों आ गई तू इधर, अरे वीडियो बना दे। ये इधर थ्रॉटल में ही रहती है गाइस, काफ़ी चैरी नाम है इसका। तो आगे बात करते हैं, काफ़ी मतलब एडवेंचर लुकिंग वाली बाइक है ये। आगे से आप फेयरिंग देख सकते हो, इसके अंदर आप एक पावर विंड स्क्रीन लगा दो तो विंड ब्लास्ट एकदम कट जाएगा। इसके अंदर हैंड गार्ड्स चेंज हो रखे हैं, बार्क बस्टर के लगा रखे हैं, और ये जो सस्पेंशन है ये लॉन्ग ट्रैवल वाला है, ठीक है, USD आ जाता है। और इसके अंदर आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस है, लंबी टूरिंग पर काफ़ी काम करेंगे। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जो हिमालयन वाला आते हैं उसमें स्पोक व्हील्स आते हैं जो कि ट्यूबलेस नहीं होते, जो कि आपका अगर टायर पंचर हो जाएगा तो आप कहीं दूर दराज वाले इलाके में फंस जाओगे। बट ये चीज़ इसके साथ नहीं होती है। इसके अंदर आप अपना ना बेसिक पंचर लगवा सकते हो। और जिसका फ्रेम है ना गाइस, ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मजबूत लगता है, क्योंकि ये स्केलेटन फ्रेम कह लो ऐसा है कि ये काफ़ी सारे जॉइंट्स पर जुड़ा रहता है, और ये काफ़ी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एक बाइक को। इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है, 15-16 लीटर का फ्यूल टैंक है इसका, जो कि काफ़ी अच्छी आपको रेंज प्रोवाइड कर देता है। इस बाइक की पर्टिकुलर एवरेज की बात करूँ कि एक लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, तो वही मैं कहूँगा लमसम आप 30 से 35 के राउंड मान लो ये एवरेज दे देती है हाईवेज पे। और साइलेंसर ये वही सेम शेयर करती है RR से RTR से, क्योंकि BMW के साथ मिल के बनाती है TVS इसको। और अब तो यही सेम इंजन और यही, और अब तो जो RR वाली बाइक है हमारी अपाची RR 310, वो भी अब BMW अपनी ब्रांडिंग करके बेच रहा है, वाइट और ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी, उसके बारे में आपको अभी बताएंगे हम, ठीक है। और इसकी बात कर लूँ पर्टिकुलर बाइक की, ये बाइक है ना भाई दिल्ली में अराउंड कॉस्ट करते हैं 3 से 3.5 लाख रुपए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको एक ब्रांड ये है ना, जो ये सारे पैसे भाई साहब इस लोगों के हैं, ठीक है, BMW लेके घूम रहे हो भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो वाली बातचीत हो जाती है। इसके अंदर आपको देखो ये जैसे ना, ये इसके अंदर आपको हैंडल बार राइजर्स लगा रखे हैं इसके अंदर जाना के, ठीक है, इसकी हाइट बढ़ा रखी है, स्टॉक बाइक इतनी हाइट पे नहीं आती हैंडल की, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ये बाइक को और कंफर्टेबल बना देगा। बात करूं भाई सीट्स की, थोड़ी है ना सीट्स मेरे को अच्छी कुशनिंग लगती है इनकी, लेकिन पिलियन के लिए मेरे को इतना सही नहीं लगता ये, तो आप पिलियन के लिए काम कर सकते हो कि थोड़ी फोम एक्स्ट्रा डलवा सकते हो, लेकिन राइडर के लिए बहुत सॉफ्ट है भाई ये, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई फ्रेम वाला नहीं देखने को मिलता लगेज वाला रखने के लिए, तो आप लगेज वाला रखने के लिए इसके अंदर फ्रेम वाला लगवा सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 1000-2000 के अंदर मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे। और इसके अंदर एक यहाँ वाला फ्रेम गार्ड भी लगवा सकते हो, जिसके इसकी लुक काफ़ी बल्की हो जाएगी और बाइक काफ़ी सेफ़ भी हो जाएगी। इसके अंदर आपको LED सेटअप मिल जाता है, जो नई वाली बाइक सारी है उसमें LED लगा हुआ है, और काफ़ी बाइक बल्की भी लगती है उसकी वजह से। पीछे से लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो इसकी टेल लाइट है, ठीक है, और ये इसके इंडिकेटर्स है जो आपको LED में देखने को मिल जाते हैं भाई। और ड्यूअल डिस्क ये गाड़ी आती है, और दोनों में ही ABS लगा हुआ है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि BMW की और TVS दोनों मिलके बनाते हैं इसको। भाई ये 310 सीसी की गाड़ी है, लेकिन ओवर हीट इतना नहीं करती है, काफ़ी अच्छे से ये काफ़ी बैलेंस गाड़ी है, काफ़ी मतलब बैलेंस है ये। लेकिन ये बात कहूँगा इसकी, मान लो अब जो अपाची आ रही है नई वाली, ठीक है, 310 वाली, या आप कह लो कि नई वाली बाइक जो KTM 12 आ रही है,
अब ये बाइक ना थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। देखो BMW है, नो डाउट ब्रांड वैल्यू है भाई, बट भाई इसी प्राइस पॉइंट पे ना अब आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाइक बेकार है, बट अब ये थोड़ी आउटडेटेड होने लग गई है। ये काफ़ी रिलायबल बाइक है, बट भाई समय के साथ नहीं चलोगे तो ऑब्वियस सी बात है पीछे रह जाओगे। वो वाली चीज़ है, आप नई वाली अपाची देख सकते हो, उसके अंदर आपको कितने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑल दो ये एडवेंचर बाइक है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल आपको उस वाली बाइक में देखने को मिल रहा है, तो वो चीज़ है ठीक है। उसके अंदर आपको हीटेड सीट देखने को मिल जाती है, वो बात अलग है, उसके लिए आपको एक पैकेज लेना पड़ता है, बट ये चीज़ इसके साथ नहीं है भाई। इसके अंदर आपको ये बेसिक गाड़ी ही मिलेगी, जिसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल वाला नहीं मिलेगा। और देखो जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना आप, अगर BMW ने ये सब चीज़ें देनी शुरू कर दी ना भाई, BMW इस प्राइस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा, और जो एंट्री लेवल है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, यही चीज़ आपको मिलेगी। अब बाकी ये नहीं कह सकते, अब अगर TVS कुछ अपनी टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर कर देगा तो क्या पता ये थोड़े सस्ते दाम में अच्छी गाड़ी और निकाल दें BMW वाले, या TVS ही निकाल दे GS अपनी कोई, है ना, अपने ब्रांडिंग के साथ, तो वो चीज़ है। बाकी टायर का साइज़ आप देख सकते हो, इसके अंदर 160 सेक्शन का पीछे लगा हुआ है, 120 सेक्शन का आगे लगा हुआ है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है भाई। मेटजेलर के टायर है, काफ़ी अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करते हैं कॉर्नरिंग वगैरह पे। और पीछे भाई ये मोनोशोकस का RR वाला, ये ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें ना देखो गाड़ियाँ सेम शेयर करती हैं ठीक है, प्लेटफॉर्म के अलावा ये चीज़ है। और गाइज मैंने कभी नहीं सुनी कोई कंप्लेन अपनी सर्कल में GS के लिए रिगार्डिंग की कोई कम प्रॉब्लम आई किसी ट्रिप वगैरह में, तो ऑल दो बाइक भी काफ़ी रिलायबल है ठीक है। तो यही था गाइस इसके लिए, इसको आपका आप इसका मैं आपको कॉपीड व्यू भी दिखा देता हूँ एक बारी, और देख सकते हो ऐसा है कुछ। मीटर इसका थोड़ा बेसिक ही है तो क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो मैंने आपको पॉइंट बताया, और कंट्रोल्स वगैरह कुछ ऐसे ही हैं इसके। और जैसे मेरी मान लो गाइस हाइट है 6 फीट ठीक है, कैमरे पे पता नहीं लगता, बट मेरे लिए इसकी बाइक इसकी हाइट ठीक है। लेकिन जो बंदा 5, 8, 9, 10, 11 की हाइट वाला भी है ना, वो भी इसको आराम से चला सकता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी भाई आपको। और इसकी लोअरिंग किट आती है एक ठीक है, वो भी काफ़ी सस्ती मिलती है लोअरिंग किट, जिनको नहीं पता आप किस हाइट लो कर सकते हो, जिससे आप इसकी हाइट को थोड़ा लो कर सकते हो और चला सकते हो। तो यही था गाइस इसके लिए ठीक है। कुछ भी आपका सवाल हो, ऐसा कुछ पता हो जो आपको पता है हमको नहीं पता, जैसे GS ओनर तो आपको कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, आप बता सकते हो सबको। और इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।